कोतवाली थाना क्षेत्र के माया बाजार में बनाए कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानों को खुलने के प्रतिबंध तथा आवाजाही पर रोक के बावजूद एटलस साइकिल का शोरूम खुला मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर ने उस दुकान को कंटेनमेंट जोन की अवधि यानी 14 दिनों के लिए सील कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला खुलकर तब सामने आया जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एटलस साइकिल के शोरूम पर कुछ लोग प्रतिबंध के बावजूद भी काम कर रहे हैं, जिस पर एसडीएम सदर ने उस दुकान को 14 दिनों के लिए सील कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। माचिस लाओ, माचिस ला रहा है मंदिर से माचिस ले आओ। ये खराब है सर, बंद होगा नहीं, छोड़ जाएंगे। खराब है, बंद होगा नहीं, कौन जाने का रास्ता। अलमारी है क्या? अलमारी का रास्ता है, आगे सामान पूरा रैख लगा हुआ है, रास्ता नहीं जाने। मैं तेरे को चाबी है, एक मिनट को, एक मिनट, एक मिनट, चाबी निकाल ले। जाने का रास्ता आइए आइए। इंचार्ज साहब एकदम टाइट रहो, एकदम किसी पे कोई किसी तरह का रहम नहीं है। अरे बात उसकी नहीं है ना, खुद तो मरेंगे, दूसरों को लेके डूबेंगे ना। कौन गया लेने के? जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें सारे प्रतिष्ठान बंद रखने को होते हैं 14 दिन के लिए सभी तरीके के। वहाँ पे हम आज गए थे तो देखते हैं कि वहाँ पे चार अपने कर्मचारियों को बुलाकर वो अंदर काम कर रहे थे, दुकान खोली हुई थी और उनका कंटेनमेंट एरिया और जो पॉजिटिव व्यक्ति था उसका घर बिल्कुल सामने था। तो चोरी छुपके से इस तरीके से दुकानों का संचालन किया जा रहा था। 14 दिन कंटेनमेंट एरिया में किसी भी तरह की गतिविधि अलाउ नहीं है, कुछ इमरजेंसी सर्विस को छोड़ते हुए शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इसी संदर्भ में उस हिंदुस्तान शोरूम जो है उनको बंद किया गया, सील किया गया अगले 14 दिनों तक। जब तक कंटेनमेंट एरिया रहेगा तब तक उनकी दुकानें बंद रहेंगी।